हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ। और पहले बोलते टॉन्सन क्या बोलते हैं, गलसोड़ा क्या बोलते हैं, ये सब पूरा भाव मेरा सूज गया था। इसके लिए मैं कोई ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी, मतलब बना ही नहीं रही थी ब्लॉग, बस छोटी मोटी रील्स डाल देती थी, वही ठीक था। और जब यहाँ पे ये अच्छा हुआ तो सर्दी जुकाम हो गया और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज मैंने बोला बहुत दिन हो गया, चलो अब डेली रूटीन पे आ गए। मैंने सोचा था तो बाय स्टेप बाय रमज़ान की शॉपिंग होंगी या रमज़ान के हवाले जो भी कुछ होएगा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन सब कुछ हुआ नहीं क्योंकि सर्दी इतनी हो गई कि कोई चीज़ में दिल ही नहीं लगता, घर पर काम करने का भी दिल नहीं लगता। फिर मैंने बहुत दिन हो गए कैमरा उठाया भी नहीं, सबे बारात का भी कोई ब्लॉग बनाया नहीं, बस सब छोटी सी रील जो बनाती थी खाना वही डाल दी। तो मैंने सोचा चलो आज से थोड़ा बहुत कुछ अपडेट देवे आपसे जुड़े, क्योंकि मुझे लगता है करीब 5-6 दिन हो गए होंगे शायद मैंने ब्लॉग को अपलोड नहीं किया। और बस ये सर्दी ज़ुकाम की ये दवाई जो है, ये दवाई एक ही बची रखी है, ये दवा भी ले लूँ और फिर काम करूँ घर में। फिर आज मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ भी थोड़ा कुछ काम है तो वहाँ पे भी जाना है मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाऊँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और जो भी मेरी लाइफ की रूटीन जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूँगी। चलिए तो फिर अब मैं बाद में आपसे मिलती हूँ और तो कुछ नहीं चाहिए। चलो गाइस, तो मैं अब नहा धो के फ्रेश होके एकदम रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मेरे बेटे को लेने के लिए स्कूल के लिए। और फिर वहाँ से आने के बाद खाना वाना खाएंगे और उसके पेपर की तैयारी कराएंगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के कॉल आएंगे तो फिर मुझे वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि आज कुछ हम लोग की घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स की कुछ सिग्नेचर क्या मालूम क्या कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे जाना है तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। और फाइनली मैंने खाना बना लिया, खाने में कुछ स्पेशल नहीं बनाया, मेरी ग्रेवी रखी थी चिकन की तो उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा एक आलू और थोड़ा सा नमक यूँ डाल के उसको पुलाव टाइप बना दिया, तो वो हम लोगों का खाना हो जाएगा। और फिर बाद में देखते भी स्कूल से लेने आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। चलिए तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सर्दी जुकाम में नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती, तो मैं यहाँ से दो नारियल पानी लेके जा रही हूँ, एक मेरे बेटे के लिए और एक मेरे खुद के लिए। मैं सुबह में आई थी लेकिन उस टाइम पे अंकल के पास नहीं था, तो फिर मैं वापस से घर चली गई और मैंने सोचा चलो नारियल पानी ले लेती हूँ और घर पे जाके पियेंगे और थोड़ा फील बेटर करेंगे। फाइनली मैं घर आ गई हूँ, मैं नारियल पानी लेके आई हूँ, अब इसको हम कट करेंगे अंदर से छुरी मार के और फिर पानी पियेंगे। बोलते सर्दी जुकाम के लिए नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, मैं सुबह में लेने के लिए गई थी लेकिन उस टाइम पे वो अंकल के पास नहीं था तो फिर मैं नहीं लिया और अभी लेकर आए। और एक बात बोलूँ, पंखा चालू कर लूँ क्योंकि सुबह में थोड़ी ठंडी लगती है, रात भर पूरी ठंड लग रही है और फिर सुबह में जो दोपहर बाद 1 बजे बाद ऐसी गर्मी लगती है कि पूछो ही मत, इतना शदीद गर्म हो जाता है। इसलिए तो सब लोगों को घर में सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो गई है। मेरा बेटा, उसको भी बहुत खांसी थी सुबह में दवाई पिला के और स्टीम बाफ लेके फिर स्कूल भेजा, क्योंकि नहीं भेजती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, एग्ज़ाम चल रही है तो फिर भेजना बहुत ज़रूरी था। तो वो भी अभी आराम से बैठा है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो गाइस, ये रहा बैठा है आराम से अभी स्कूल से। अभी इसको भी नारियल पानी पीना है, इसको भी नारियल पानी पिएगा, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करेगा, फिर देखते क्या करता है ये भी। ये देखो गाइस, फाइनली नारियल पानी को जलो जखत करके ठोक के निकाला। मैंने मांगा था पतली मलाई लेकिन लगता थोड़ी हार्ड है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलेगा पीएंगे और एंजॉय करेंगे। पानी बहुत मीठा है।
दे रहे, फिर जो भी पी रहा है देखिए। मैं तो पूरा हूँ। पूरा? चलो तो सब सब की जगह पे रख दूँ छुरी और ये। ज़्यादा नारियल पानी में पानी तो नहीं था, कम था, लेकिन बेटर था। लेकिन मलाई बहुत हार्ड है तो उसको वहाँ अंकल के पास ही भेजना पड़ेगा, तो ये अंकल ही कट करके देंगे, तो इसको लेके बाद में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे रख देती हूँ और मेरे बेटे के कपड़े जैसा सब निकालती हूँ, फिर उसको तैयार करती हूँ, फिर बाद में देखते भी क्या होता। ठंड भी लग रही है, अब बंद कर देती पंखा, क्योंकि बोलती है कभी ठंडी कभी गर्मी, मौसम इतना ख़राब हो गया है कि पूछो ही मत। और सब बर्दाश्त होता गाइस मेरे से, लेकिन मुझे जब सर्दी ज़ुकाम होता ना तो बहुत बहुत अंदर से बहुत बहुत गिल्टी फील होता है, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्या कर रहा है तू? जा हाथ धो लो, जाओ जल्दी हाथ धो लो, या चलो कपड़े चेंज करो। अभी देखो 2 बज गए, अभी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, फिर खाना वाना कुछ खाएंगे, फिर कल कौन सा पेपर बेटा? क्या करवाया, कहीं में कराया तो ड्राइंग, ड्राइंग तो कल ड्राइंग है शायद, ड्राइंग या ग्राफ का पेपर होगा, तो थोड़ा बहुत ही करवा, फिर थोड़ा आराम करूँगी मैं भी, फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आएगा, तो फिर मुझे 4 बजे करीब जाना है वापस से, कुछ पेपर पे सिग्नेचर करनी है मेरी, और मेरा चेक लेकर में ऐसा कुछ जाना है, तो चलो फिर बाद में। देखो गाइस इस तरह का मैंने पुलाव बनाया है, इसको खाएंगे हम लोग। और ये नारियल पानी अभी यहाँ पे साइड पर रख देती हूँ, बाद में देखते भी खाना वाना खा के हम और ऐसे फिर देखेंगे कुछ उसका वजह निकालने का उठा के लिए। हो गया मस्त पुलाव, उसके अंदर भी थोड़ा अचार वचार के साथ खा लेंगे। मेरा बेटा कपड़े चेंज करने गया है, और कपड़े चेंज कर रहा है, और मैं बयान कनी में खड़ी हूँ, और बाहर तो ऐसा एकदम धूप है और थोड़ी छाए है, लेकिन फिर भी बेटर है। तो ये यहाँ पे भेजू, नंगा होगा शायद, नहीं दिखा रही कपड़े नहीं भेजे इसने। देखो गाइस मेरे बेटे का कल ड्राइंग का पेपर है, और इसने पीकॉक ड्रॉ किया है, दिख रहा है बेटा? दिखा, शायद बर्ड ड्रॉ कर रहा है। देखो इसने पिकअप ड्रॉ किया, अब इसको कलर करेगा, फिर कलर हो जाएगा, फिर फाइनली मैं आपको दिखा दी। ये मेरा बेटा ड्राइंग में देखो बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, माशाल्लाह बोलना ज़रूर, मेरे बेटे का ड्राइंग बहुत अच्छा है। तो देखिए आप, बाकी का कलर हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, रुको ला दिखाओ। देखो गाइस मेरे बेटे ने आखिर में ड्राइंग कंप्लीट कर ली, इसके हिसाब से कलर करा ठीक है, लेकिन बहुत प्यारी है देखिए। और अच्छी ड्राइंग है माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो गाइस फाइनली हमारा जो भी काम था वो ख़त्म हो गया, और अंदर फोटो शूट अलाउ नहीं था इसलिए नहीं किया। चलो बस घर की ओर चले, मैं आपको बताऊं, मेरा हस्बैंड जो यहाँ पे हम लोग आए थे।
वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पानी पूरी खा के जाते हैं। तो फिर मैं और मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड, हम तीनों ने पानी पूरी का खूब मज़े लिया, बहुत एंजॉय किया। और इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। और हम हमेशा यहीं की पानी पूरी खाते हैं। चलो तब शाम के खाने की तैयारी करते हैं, पता नहीं क्या बनाने का। चने की दाल सोच रही हूँ, आज दाल और लौकी बनाने का सोचा है। तो चलो दाल को भिगा लेती हूँ अभी, फिर यस थेपला ले जाना। थेपला कल टिफिन में फेस को थेपला मिलेगा, तो फेस को थेपला खाना पड़ेगा। कुछ नहीं, तो अभी आज पिंडी ले गया था तो फिर कल थेपला। चलो तो फिर अब किचन की ओर जाएंगे और देखते क्या है क्या नहीं। और चलो गाइस, तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100 सब्सक्राइब हो गए। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए तो मैं ऐसे आगे जाती रहूँगी। और इसके बाद तो मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। और बाकी का जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट दूँगी। अगर मेरी तबीयत ठीक रहता है तो बहुत सारी शॉपिंग और रमज़ान की बहुत सी ऐसी तैयारी करनी है, लेकिन देखो बस अल्लाह से दुआ है कि थोड़ी फील बेटर होवे तो धीरे धीरे सारी सब कुछ तैयारी करूँ। चलो गाइस, तो अब मैं यहाँ से आपसे अलविदा लेती हूँ और बाय, अल्लाह हाफिज़। और वंस अगेन सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। और आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि जिस जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।